ये बढ़ाता गया बढ़ाता की, कह रहे कोई नहीं देख रहा, तो ये देखो बढ़ाता चला गया, ये गया भगा के, कह रहे वाह मजे आ गए, टोल ही नहीं कटा। अबे यू इट इज अ वेरी बिग स्कैम भाई, वेरी वेरी बिग स्कैम यार। पीछे से उड़ रहा है, हटा दो। लेने वाले पे तो बैरियर लगा रखा है, उस पे है नहीं, नहीं करता बाय चांस। सर मुझे पता कैसे चलेगा कि वो रीड हुआ है नहीं हुआ? हेलो भाई मरुण पवार, ये देखो भाई ये इतने तेज है, इतने चालू है ये टोल वाले, ये एंट्री पॉइंट है भाई। यहाँ पे देखो एंट्री पॉइंट पे कोई बैरियर नहीं लगा रखा जिससे आदमी एकदम निकल जाए और फिर भैया उसका आगे जाके पूरा का पूरा टोल कट जाए, यानी कि पूरे जो पूरे केएमपी का 210-245 रुपए है, और कोई बैठा भी नहीं है यहाँ पे। देखो भाई कोई नहीं है, लाल हो रखी है, मुझे कैसे पता चलेगा मेरे फास्टैग ने रीड करी है नहीं करी, एक बात बताओ आप। अब पीछे लेन लग गई है, अब देखो भाई अब ये कहेंगे आगे बढ़ आगे बढ़, ग्रीन कुछ तो सिग्नल होना चाहिए मेरे सरकार से। मेरा बस ये पूछना है कि अब मैं कैसे भरोसा कर लूं इनको, बुलाता हूं मैं एक मिनट। अरे रुक जा भाई, मेरे 250 रुपए तू दे देखो। अब देखो पै 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 पीछे तो हरी है, एक हल्ला पूछूं मैं। ले भाई कोई रीडिंग नहीं आई आपके सामने, ले एक हल्ला यहाँ नहीं कर जान दूं मैं, यूज फोनेक्स वाला ज्यादा बन रहा हूं अपने मन में, ए ले यूज बन रहा हूं सीआर। देखो ये डीएल नंबर है, ये गाड़ी वाला बन गया बहुत ज्यादा होशियार। देखो ये बैरियर तो है नहीं, मैं कैसे चला जाऊं, ये देखो DL7C देख रहे हो वीडियो कैसे बना रहा हो भैया, तुमको नहीं मालूम ना। अब देखो इसको मालूम है, ये जो खड़ा हुआ है पीछे ये वाला, कि हाँ भैया ऐसे चलता है ये नू वाला, ये इसके ऊपर मैंने पहले वीडियो बनाई थी पहले, फिर बैरियर इन्होंने लगा दिया था, लेकिन अब फिर से इन्होंने दिक्कत वाली बात कर दी है। देखना भाई क्या हरकत चल रही है इनकी, इसको भाई को पता है। और यार ये कितने गलत है, मान लो जैसे पलवल में यहाँ से 20-30 किलोमीटर आगे है टोल टैक्स, वहाँ पे लगता है भाई इसका, ठीक है वहाँ पे क्या है मतलब टोल करता है पूरे इसका, तो अगर यहाँ पे रीड नहीं हुआ ना ये फास्टैग, तो ये 290 रुपये है जन कितना, क्योंकि कुंडली से आ रहा है ये, तो पूरे KMP क्या है कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे, तो ये पूरे टोल का लग जाता है, समझ रहे हो आप बात को। अब ये लोगों को ऐसे बेवकूफ़ बनाते हैं, वैसे 50 रुपये है और वैसे 290 रुपये है, यार कितना मोटा घपला कर रहे हैं ये। अब देखो भाई मैं अब कैसे भरोसा कर लूँ आपके सामने इनकट चल रहा है कि ये होगा, मैं इनसे पूछ के आऊँ, एक हल्ला ये गुंडा और रहे हैं इस पर, ये नू वाला है भाई। देखो ये भाई भी ये समझदार है, खड़ा रहा, या तो इनसे पर्ची लो या कुछ कितना ही पोंपो मार लो, पर इनको भाई सबूर के नाम की इनके चीज़ नहीं है 1% भी, कोई बैरियर नहीं कुछ नहीं इस पर, एक पे इस पर है क्या, इस पर भी नहीं है भाई, हद है भाई इनकी हद है यार, निकाल लो कोई बैरियर नहीं, इतने वैसे ये इतने इतने रुपए ठगते हैं। यार थोड़ा सहूर सीखो यार, इंडिया में रहते हुए भाई पब्लिक को। अब जैसे मैं तो लोकल हूँ यहाँ का, मुझे तो पता है भाई, देखो ये नू और सोना का ही कट, ठीक है मेरे साथ तो वारदात होती रहती है अक्सर, तो मुझे तो पता है कि ऐसे भी सीन चलता है। जो लोग बाहर के आ रहे हैं वो तो सोचेंगे भैया बैरियर ना भगा लो, चलो भगाने की भी नहीं, वो तो कोई समझदार रुकेगा भी, कई बार फास्टैग रीड नहीं करता आपको पता है, वैसे ईमानदारी से भी जो समझदार है बस वही रुक रहा है, जैसे ट्रक वाले हो गए या फिर ये हो गए। देखो कितना बड़ा स्कैम खेल रहे हैं, या तो सरकार भी मिली जुली है भाई इसमें, नहीं तो इन पर बैरियर नहीं लग रहा है। ये जैसे DL7 है, अब इसने ये बढ़ाता की कह रहे कोई नहीं देख रहा, तो ये देखो बढ़ाता चला गया, ये गया भगा के, अरे वह मजे आ गए, टोल ही नहीं कटा। अबे UPSC का आगरा का, इसको पता है कि ऐसे ऐसे एंट्री पॉइंट पे होता है, लो गया ये भी, ये एंट्री पॉइंट पे तो बैरियर होने चाहिए, और वहाँ जो ये उतरते हैं जहाँ पे वहाँ पे गारंटी से बैरियर मिलेंगे भाई उतरने वालों के लिए। शर्म करो भाई, मैं तो दुखी हूँ दुनियादारी से। आप लोग बताओ क्या करना चाहिए इस चीज के ऊपर, पुलिस वालों से कहूँ क्या इनसे आगे, पुलिस वाले पर ये कौन से ही कुछ कर लेंगे यार, ये कौन से कुछ करेंगे। तो भैया मेरे भाई बात सुनो, ऐसी बात है आजकल इंडिया में एक्सप्रेसवेज बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, मैं तो कहता हूँ ये वीडियो नितिन गडकरी तक जी तक पहुँचाओ, कितने करोड़ों का मतलब रिवेन्यू होता है यार ये टोल्स का, ठीक है, और कितना महंगा ये होता है। एक बैरियर लगाने में क्या जा रहा है, टेक्नोलॉजी जो हरी हो जाए, चलो बैरियर मत लगाओ, कम से कम वो मेरा खून खोल रहा है बता रहा हूँ। कभी यहाँ गुंडे लूट लेते हमको तो इस रोड पे भाई, कभी ये सब हरकतें होती हैं, हम तो दुखी हो लिए। साइड में जाके दिखाऊं आपको मैं, साइड में पक्का बैरियर होंगे भाई, गारंटी की बात है, यहाँ बैरियर गारंटी से है। देखो ये लगा रखे बैरियर, ये देखो ये बैरियर यहाँ जरूर लगा रखे हैं, ठीक है ब्रदर। एंट्री पे तो कोई बैरियर नहीं है, बैरियर है ही नहीं उसका, क्यों, अगर किसी ने टैग वो रीड नहीं करा तो क्या होगा, टैग रीडर लगे
नहीं करता भाई चांस। सर मुझे पता कैसे चलेगा कि वो रीड हुआ है नहीं हुआ? दो सौ पंद्रह मेरे तो कुंडली से कट जाएगा ना अगर मैं वैसे ही निकल गया तो। लो भैया इनको ही आंसर नहीं पता है। सुन भाई फेसबुक पर तो मैं डाल दूंगा, मैं इंट्री कहूँ या खोल दे, इंट्री कहूँ या खोल दे। भाई ये बहुत गलत चल रहा है यहाँ पे नू वाले पे। भाई चल रहा है नहीं चल रहा है बताओ। अब बाहर की पब्लिक है वो भग जाएगी देख के। यहाँ तुम लेने वाले पे तो ये रखते हो, क्या कह रहे भाई? लेने वाले पे तो बैरियर लगा रखा है, उस पे है नहीं, समझ रहे हो ना बात को? कोई बाहर का बंदा है वो एकदम चला जाएगा। देखो जहाँ पे लेना है यहाँ पे तो आ रहा हूँ, आ रहा हूँ यार। वहाँ पे भी लगा दो भाई, देखो उधर सिस्टम चेंज हो गया, सिस्टम ही चेंज हो गया। पीछे से ऑर्डर आए हैं हटा दो, पीछे से ही ऑर्डर आए हैं हटा दो। भाई यार तुम्हारी राजी है? क्या नाम भाई का? पतो रहा भैया, ये तो कह रहे हमने थोड़ी बीच गए और पीछे से हट गए। भैया अब देखो मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ, चलो इनका इन्होंने हटाए नहीं हटाए, पर आप लोग सतर्क रहो इन चीज़ों को लेके। आप लोग रुक जाया करो जब भी एक्सप्रेस वे पे। और यहाँ का नहीं है भाई ये एक्सप्रेस वे, पूरे दुनिया में पूरे ही जगत में बन रखे हैं ये। अब मैं दोबारा जाता हूँ, मैं तो बस आपको दिखाने के लिए रुका था यहाँ पे। मेरा रीड हुआ होगा नहीं हुआ होगा पता नहीं, मालिक जाने। पर वंस अगेन मैं आपको दिखाता हूँ, इस बार दूसरी वाली लेन पे चलूंगा। बिल्कुल ग्रीन होता ही नहीं है और देखना ये पड़ी है भैया रास्ताओं में, कोई सुविधा है नहीं है। ये देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं है भाई। अब मेरे को पता कैसे चलेगा भाई? कल्ली रीड हो गया यहाँ पे, तो बैठे हुए पल्ले पे है ही नहीं। यहाँ पे हो गया भैया रीड अपना। चलो मैं तो जा रहा हूँ भैया आगे, जैसे देखो पुलिस की गाड़ी वाड़ी भी खड़ी रहती है टोल वोल पे। अब कैसे ही पता चले हमें, तो दुखी है जिंदगी। तो मैंने बहुत वीडियो देखी है भाई ऐसी बहुत सारी। यहाँ पे पुलिस वाले बैठे तो हुए हैं, पता नहीं किस लिए बैठे हुए हैं यार, इनको भी थोड़ा सोचना चाहिए यार। इट इज़ अ वेरी बिग स्कैम भाई, वेरी वेरी बिग स्कैम यार, समझो मेरी बात को। जैसे यहाँ से लोग बाग अब पलवल जा सकते हैं हम लोग, ठीक है जी। पलवल और मानेसर दो रास्ते कट रहे हैं, पलवल यहाँ से आ जाएगा 30-40 किलोमीटर बाद। तो यहाँ से 40 किलोमीटर का स्टॉल का 50 रुपये बनते हैं। अभी अगर रीड नहीं करेगा कोई ऐसे निकल गया तो पूरे उसको क्या पता भाई सिस्टम को कि कहाँ से चढ़ाए, नू से चढ़ाए या फिर कुंडली से चढ़ाए। तो अगर कोई रीडिंग नहीं होती है तो स्टार्टिंग पॉइंट से ही फास्ट टैग समझता है कि वहीं से चढ़ना है, तो वो वहीं से काट देता है। अब ये टोल आ गया है भाई साहब, अब पता चलेगा कि कितने रुपये मेरा टोल कटा है कितने नहीं कटा। देखो यहाँ कितनी भीड़ रहती है। अब जो जो नू से चढ़ा होगा बेचारे कितने खुश हो रहे होंगे, उनको पता ही नहीं होगा कि ऐसे मेरे साथ इतना तगड़ा स्कैम होने वाला। अभी आपको लाइव बताता हूँ फास्ट टैग से मेरे कितने रुपए कटेंगे भाई, अभी आपके सामने रहेगा सारा लाइव कवरेज। देखो यहाँ पे अब लेने की बारी आ गई, यहाँ पे खत्म हो जाता है ये वाला टैग इज ब्लैकलिस्ट। लो भैया चलो खुल गया, आ गया आ गया आ गया। अभी मैसेज आया भाई 50 रुपए ही कटे हैं। देखो मेरी समझदारी का नतीजा, पूछ लिया था उससे स्कैन हो गया नहीं होया और रुका रहा तो 50 रुपए कटे नहीं। अभी लग जाती चेप तकड़ी। अब केम पी छोड़ के ये चालू हो जाता है केजीपी, इसका भी कुछ मेरे ख्याल से जी पता है मेरे को। इसमें है वो क्या बोलते हैं गाजियाबाद, ये भी एंट्री पॉइंट ही है, यहाँ पे भी कोई टोल नहीं कटता है। तो यहाँ पे देखो सही लगा रखे हैं ये रोड पूरा, गाजियाबाद फरीदाबाद मेरठ ग्रेटर नोएडा वहां पे जा रहा है ये। यहाँ पे बढ़िया देखो एंट्री पॉइंट लगा रखा है और यहाँ पे तो भाई हाई फाई सौदा कर रखा है। देखो ये कायदे से होना चाहिए ना, खैर यहाँ पे तो भाई ये मेन एंट्री पॉइंट है, इसके अलावा तो यहाँ अगर स्कैन होगा भी नहीं ना तो भी इतना ही टोल कटेगा जहां से उतरो, क्योंकि एट द एंड यही है स्टार्टिंग पॉइंट इस रोड का। चलो भाई आप सतर्क रहो, आप रुक जाया करो 10-15-20 सेकंड में, कुछ नहीं होता है। फ्री के चक्कर में मत डोला करो, क्योंकि फिर आगे जाके पता चलेगा कि अरे 290 रुपए गए 50 रुपए के चक्कर में। अब कोई घने अंबानी हो बात तो फर्क ना पड़ेगा, पर हम जैसे ना बहुत फर्क पड़ेगा भाई, 5 गुना की मार लगे यार बताओ आप, एक बात समझो। तो भाई 5-10-20 सेकंड खड़े होने में कोई बुराई ना है, और उससे पूछ लो भैया हो गया है ना पक्का, आर यू श्योर? क्योंकि आदमी वापस भी तो नहीं आ सकता ना, अब कोई उल्टा थोड़ी आएगा इतने गुतरे मरने के लिए। इनसे मेरे साथ हो रखा है कही कि अल्लाह ये, इसलिए मैं तो चाहे एक मिनट तक खड़ा रहूँ आपको पता है। चलो भाई वीडियो देखने आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।